बसमिल आज का हमारा टॉपिक होगा प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड टॉल आर दोडक्ट आर द फिनॉल आर टेकन एज अ प्रोडक्ट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल लिस्ट ओके सो फ्रॉम स्टार्टिंग द प्रिपरेशन ऑफ़ फिनॉल हमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन बताना चाहिए हाइड्रोक्सी है यानी कि बेंजीन है और मिनजीन के साथ एक हाइड्रोक्सल का ग्रुप लगा हुआ है वो क्या होगा फिनॉल उसके बाद सिंपलेस्ट फिनॉल जो है उसको कार्बोलिक एसिड कहते हैं और इसका सिंपल फार्मूला भी यही है जो ऊपर मैंने ड्रॉ किया और सबसे पहले ये कोल तार से हुई थी रंज ठीक है रंज एक साइंटिस्ट का नाम था और इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं कलरलेस है क्रिस्टलाइन है यानी कि पाउडर फॉर्म में होती है इसका कोई रंग नहीं होता डीलिक्विसेंट अच्छा ये डीलिक्विसेंट और हाइड्रोक्ोपी के अंदर क्या फ़र्क होता है डीलिक्विसेंट ये होते हैं कि जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया इन्होंने और यहाँ पर इनकी कोई स्टेट चेंज और इनकी स्टेट चेंज हो जाती है और हाइग्रोस्कोपिक इसके बिल्कुल उलट है वो भी मॉइस्चर को ऑब्जॉर्ब करते हैं लेकिन उसकी कोई स्टेट चेंज नहीं होती दूसरी बात यह कि डिसइंफेक्टेंट डिस इनफेक्टेंट क्या होता है जो कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज से जम्स को कील करते हैं मेल्टिंग पॉइंट फोर्टी वन डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वन एटी टू डिग्री सेल्सियस उसके बाद ये वाटर के अंदर सोलेबल होते हैं और इनका जो है वो पिंक कलर देते हैं जब सोलेबल होते हैं क्वेश्चन आया फिनॉल जो है वो सॉलिड होते हैं लिक्विड तो ये दोनों फॉर्म में पॉसिबल है कि हो जाता है और इसके बाद ये कंप्लीटली सोलेबल होते हैं कौन सा टेम्परेचर पे सिक्सटी एट पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस पे अब यहाँ पर प्रेपरेशन ऑफ फिनॉल के कुछ चार यहाँ रिएक्शन मैंने लिखे हैं सबसे पहले है डाउज मैथड ये कैसे होता है ये क्लोरोबेंजीन से होता है ठीक है ये हमारे पास एक क्लोरोबेंजीन है इसके अंदर अगर हम टेन एन एच और से सिक्स ट्वेंटी uh, थ्री कैलविन या थ्री सिक्सटी डिग्री सेल्सियस और वन फिफ्टी ए टी एम के ऊपर अगर हम करवाएँ तो अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि यहाँ पर जो सी एल है इसके साथ फ़ौरन ही ओ एच OH क्यों नहीं आ जाता और वो डायरेक्ट एन ए सी सी एल क्यों नहीं बनता तो बच्चे यहाँ पर सोडियम फिनऑक्साइड इज़ मोर स्टेबल दैन द डायरेक्ट प्रोडक्ट तो जो ज़्यादा चीज़ स्टेबल होती है तो हर चीज़ कुदरत की हर चीज़ मूव द स्टेबिलिटी मूव्स ठीक है हर चीज़ स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो पहले ये स्टेबल हो जाती है उसके बाद ये जो यहाँ पर सी एल है और ये एच आई ये दोनों मिलके ये एच सी एल उसके बाद ये दोबारा से रिएक्ट करेगा तो ये एन ए सी एल बनेगा अगर हम यहाँ पर दूसरा देखें सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड इसका भी सेम केस है थ्री हंड्रेड डिग्री सब्सटी फाइव सेवेंटी थ्री और यहाँ पर भी सेम केस सोडियम फेना ऑक्साइड ठीक है और साथ में ये साइड प्रोडक्ट्स उसके बाद जब हम दोबारा इसको सेम एज डट एच सी एल या एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये हमें देगा क्या तो ये हमें देगा फिनोल ठीक है नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीड एसिडिक ऑक्सीडेशन ऑफ क्यूमीन व्हाट इज़ क्यूमीन बेंजीन रिंग के साथ अगर एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो आइसो आइसोमीन्स कि सेकेंड कार्बन के ऊपर सब्सटीट्यूशन ऑफ बेंजीन ठीक है आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो तो उसे कहते हैं क्यूमीन अगर उसकी ऑक्सीडेशन करें तो वो क्या करता है ऑक्सीडेशन के बाद इस तरह से दोनों को अपने साथ ले लेता है यानी कि एक ये हाइड्रोजन और एक एक ये ऑक्सीजन है एक ये दोनों ऑक्सीजन इस तरह से इसके साथ आ गए ठीक है तो अब इसको क्या नाम देते हैं हाइड्रो पर जब दो इस तरह से हो गया जैसे हमारे पास एच टू ओ टू होता है तो हम उससे क्या कहते हैं अब पारोक्साइड कहते हैं तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के दो जो है वो एटम आगे ज्वाइनिंग देते हैं तो इसे भी पारोक्साइड कहा जाएगा हाइड्रो परोक्साइड और बाकी क्यूमेन ठीक है उसी तरह से अगर हम इसको एस्ट्रोसोफो के साथ रे करवाएंगे सिर्फ ये वाला ओ एच ग्रुप बच जाएगा एंड द रिमेनिंग विल बी कन्वर्टेड इन कीटोन ठीक है एंड डेट विल बी इंडिस्टिड एट एसीटोन आगे आ जाता है हाइड्रोलिस ऑफ बेंजी डाइजोनियम क्लोराइड अमोनिया अमाइनो की जो रिएक्शन है उसके अंदर हमने देखा था कि ये होता है बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड का ठीक है यहाँ पे दो नाइट्रोजन के ग्रुप है एक सी एल का है. तो जब नेक्स्ट वाटर के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे पहले टेम्परेचर है कम फिर टेम्परेचर हमें देना होगा टेन डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा लेकिन ये टेम्परेचर फिर भी रूम टेम्परेचर से कम है ठीक है तो यहाँ पर इसकी मदद से हमें ये ओ एच मिल जाएगा ये एन टू उसी तरह से ही आ जाएगा ठीक है क्योंकि एन जो नाइट्रोजन होता है ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता ठीक है लेकिन यहाँ पर अमाइनो के साथ एन था तो एन ज़्यादातर अपने ही कंपाउंड की तरफ जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा शो करता है अब ये एन टू उसी तरह से आ गया सी एल और ये यहाँ से एक हाइड्रोजन और बाकी जो रिमेनिंग यहाँ ओ एच बच गया वो वहाँ जाके ज्वाइन हो गया फिर और तो बस ये आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों से भी प्रिपेयर हो सकते हैं मेनली डाउज मैथर और सोडियम साल्ट और बेंजिन सल्फोनिक एसिड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि बेंजिन को हम रिकवर कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के थ्रू उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी लेकिन अगर फिर भी कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं दुआ में याद रखिएगा अल्लाह फेस